और जिसका डर था लगता है अब वही होने जा रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं रूस और चीन ने ईरान की पीठ पर हाथ रख दिया है। अब ऐसे में खौफ ये पैदा हो गया है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच परमाणु जंग होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा? अगर इजराइल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजराइल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजराइल को विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटाजन परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल के हमले का दावा खोखला है, क्योंकि इस वक्त इजराइल के फाइटर जेट ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-35A और F-15EX लड़ाकू एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इजराइल से ईरान के बीच औसत 1500 किलोमीटर दूर पर बम गिराना है। हमले से जुड़ी इस खबर की पुष्टि एक और खबर भी कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल दहला देने वाला है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने मीडिया को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ईरान ने अपने कई परमाणु ठिकानों को बंद कर दिया है। राफेल ग्रॉसी के मुताबिक IAEA के अधिकारी ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर सकते जिनकी जाँच रोज होती थी। ईरान ने इजरायली खतरे को देखते हुए परमाणु साइटें बंद कर दी। Our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that on the yesterday all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. Parmanu yuddh, Iran marega ya phir marega? ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ईरान को भी कहीं ना कहीं रूस से जबरदस्त मदद मिल रही है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती है। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजराइल के लिए इराक और सीरिया की तरह खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और